Hi, welcome to my Brittany cooking channel. Today recipe is fruit custard with cake. Looks so nice, delicious. Wow, jelly बनाएंगे. 400 ml water use करेंगे. 2 cup दूध use करेंगे. अब हम इसको एक देगची में add करेंगे. पतीली में दूध हमने add कर दिया. एक तरफ जेली बन रही है, ग्रीन जेली ऐड करेंगे. जेली मिक्स करके इसको अच्छे से एक बर्तन में आपने ऐड कर देना है. इसको हमने चिल करना है जेली को. कस्टर्ड 7 टेबलस्पून, थोड़े से दूध में अच्छे से मिक्स करना है हमने इसको कि कोई लम्स ना रह जाए. हम अच्छे से मिक्स करेंगे. ये देखिए, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, आप किसी भी फोक की मदद से भी कर सकते हो, किसी से भी मिक्स कर सकते हो. मेरे पास इस टाइम स्पून था तो मैंने इससे मिक्स कर दिया. देखिए, लेकिन फिर भी कोई भी लम्स नहीं है इसमें. अच्छे से मिक्स हो गया. फिर मैंने मिक्स किया कि कुछ रह ना जाए. रेड जेली बना रहे हैं. रेड जेली, वाओ कितना प्यारा कलर आया ना. यहाँ पे रेड जेली बन गई है हमारी. हमने सिर्फ वाटर को गर्म करना होता है, बॉइलिंग नहीं करना होता. सिर्फ थोड़ा सा इसको पानी को थोड़ा सा गर्म करना होता है. दूध यहाँ बॉयल हो गया था. कस्टर्ड जो मिक्स किया था वो ऐड कर देंगे. फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कस्टर्ड को. अगर आपको कस्टर्ड थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हो. मैंने शुगर ऐड कर दी 6 टेबलस्पून. शुगर आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हो, जितना आपको पसंद हो. मैंने इतना ही रखा है. ये केक है, वाइट केक है. ये टी केक होता है सिंपल. कुछ मुरब्बे भी होते हैं लेकिन मैंने सिंपल ऐड किया केक. ये केक हम कस्टर्ड में ऐड करेंगे क्रश करके. ये मैंने अंदर ऐड कर दिया. इसको मिक्स करेंगे. नाइस. आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है. चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है. पिंक कलर का केक भी दिखाते हैं. गर्ल्स को पिंक कलर बहुत पसंद है तो मैंने सोचा पिंक कलर का केक भी ऐड करते हैं. ये देखिए, पिंक कलर का केक बहुत टेस्टी था. ये यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ. डेकोरेशन इंसान अपनी मर्ज़ी से ऐड करता है, लेकिन मैंने ऐसे ऐड की है. नीचे जेली रखी है, ऊपर कस्टर्ड, देन केक, और फिर हम रेड कलर की जेली साथ अटैच करेंगे. ये देखिए ऐसे, वाओ नाइस. आपको पसंद है ज़रूर कमेंट करना है. मैंने बाकी जो रह गया था केक ऐड कर दिया, जेली, बनाना कस्टर्ड बनाया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्रूट भी ऐड करते हैं. ये छोटी सी मैंने अपने लिए बनाई थी टेस्ट करने के लिए. इसको फ्रिज में रखें, चिल करके इसको खाएं. बाय बाय.